एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रह रहे होंगे, है ना? अब आप पूछ रहे होगे, अब आप बोल रहे होगे, मैम क्या सुख चैन सब कुछ तो लुट चुका है ना? अब तो किस्मत ही ख़राब है। देखिए, किस्मत को कोसने वाले बहुत हैं जनाब, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी किस्मत को अपनी मेहनत के हिसाब से चलाते हैं, है ना? बिलीव करते हो कि नहीं? मेहनत अगर एक इंसान करता है, ठीक है, उसके सक्सेस के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके दिमाग में हमेशा डाउट है, अगर आपके दिमाग में हमेशा आराम करने का मन करता है, तो ये बताइए आगे जाके क्या होगा? मन तो एक ऐसी चंचल चिड़िया है जो आपसे चाहे तो कुछ भी ना करा पाए, बस बैठे बैठे, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मन नहीं है मन नहीं है मन नहीं है, यही मन आपको ले डूबेगा और यही मन आपको जिता डालेगा। याद रखिएगा, अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो है आपका ये मन, ये चंचल मन। तो याद रखिएगा, जो भी चीज़ हो उसको हमेशा से मन में रखिएगा और ध्यान ज़रूर रखिएगा। देखते हैं ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन को बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है, वैसे एक चीज़ बता दूं कि ये पर्सन ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इनको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि जब से ये आपकी लाइफ से गए हैं ना, तब से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा ये पर्सन बहुत दूर है ना अभी आपसे। अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, इस मामले में बता दूँ ये बहुत ज़्यादा दूर है आपसे, तो इनको क्या लग रहा है पता है? इनको ये लग रहा है ये आपका दुख नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपके अंदर की फीलिंग्स को नहीं जान पा रहे हैं। इनके मन में यही चीज़ आ रही है बार बार कि आप इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हो, आप इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और आप चाहते नहीं हो अब, ठीक है, अब आप चाहते नहीं हो कि आप इनके पास आओ। ये इस पर्सन की गलत फहमी है ना? दूसरी ओर आपके पर्सन आपको इतना गहराई से चाहने लगे हैं ना, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। गेटिंग इट? सो जो आपके दिल में, उतना ही गहरा प्यार आपके पर्सन के दिल में है। अब मेल्स का क्या होता है ना, देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग, सभी साइंस यहाँ पे मौजूद है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आप देखोगे आपकी ही एनर्जी है, आपके पर्सन की ही एनर्जी है। पर एक चीज़ बता दूँ, मेल्स ना छुपे रुस्तम बहुत होते हैं, वही तड़प उनमें भी होगी पर वो चीज़ उसको चेहरे पे सामने दिखने नहीं देंगे। वो कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को मैं छुपा लूँ, ठीक है, वो कोशिश करेंगे उस चीज़ को मैं दिल में रख लूँ, वो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल उस चीज़ को ढक दूँ, है ना? पर एक टाइम आता है जब ये अकेले में बैठ के या फिर इनके चेहरे पे जो होता है ना वो दिख जाता है। जितना आपके पर्सन के मन में इस वक्त आप छाए हुए हो ना, देखिए वो चीज़ बताने से नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसान का एक तरीका है। जब ये पर्सन खुदा के आपको अपने तरीके से वो बात बताएंगे ना कि ये क्या क्या महसूस करते हैं आपके बारे में, क्या क्या चीज़ इनको बुरी लगी है, क्या क्या चीज़ इनको बॉदर करती है और आपके बिना कैसा इनका टाइम बीता है,
आप खुद समझ जाओगे, आपको खुद पता चलेगा ये इंसान आपके लिए कितना ज़्यादा पागल है, कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, है ना, ध्यान से देखोगे तो अच्छी तरीके से समझ जाओगे। देखिए ये पर्सन, देखिए कैंडल कैसे बंद हो गई, ये पर्सन चाह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से चाह रहे हैं कि ना कुछ भी करके ये अपनी चीज़ को ना छुपा दें, कुछ भी करके अपनी चीज़ों को तब एक्सप्रेस करें जब ये पर्सन थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पर्सन चाहते नहीं हैं कि आपको पहले से कोई चीज़ पता चले, ठीक है, इनके मन में होगा ना कि सही वक्त आने पे मैं खुद ही जाके एक्सप्रेस कर दूँ, पर ये आपको जैसे कहते नहीं हैं, पहले इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है। हो सकता है कि आपने पूरा पूरा दिन इनके टेक्स्ट का, इनके एक मैसेज का कि एक्चुअल में ये सीन कर ले या फिर एक्चुअल में रिप्लाई बैक कर दे, घंटों तो ये हो सकता है सीन करके छोड़ देते हो, आप दोबारा खुद से ऊपर से मैसेज कर रहे हो, खुद से भेज रहे हो, खुद से बोल रहे हो, तब जाके ये पर्सन कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। मतलब आप इनके अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हो। कमेंट सेक्शन में लिखो अटेंशन, ये लिखो इग्नोर, अगर इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो टाइम है ना, आप भूल नहीं पाओगे, भले ही आप दोनों में अभी सुलह हो जाए, पर आपको रह रह के मैं देख रही हूँ आपके अंदर, आपकी फीलिंग्स में बताती हूँ यहाँ पे इस समय क्या बोल रही है। आपकी फीलिंग ये बोलती है कि आपको मन है इस पर्सन से बात करने का, आपकी फीलिंग ये बोलती है आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि इस पर्सन से दूर ना जाए या इस पर्सन के टच में रहे, कुछ भी करके इस पर्सन के साथ रहना है हमेशा, है ना। पर मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। अगर ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर आपके पर्सन इतनी ज़्यादा चुप्पी साधेंगे, अगर आपके पर्सन इसी चुप्पी में रह जाएंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिले होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपके घर पे शादी की बात चल रही हो, हो सकता है कि उनके घर पे भी किसी से एंगेजमेंट की बात शुरू हो गई हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन अगर एक्शन नहीं ले रहा ना, ये रीडिंग आपके पर्सन के एक्शन के बारे में, अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है ना, तो मैं बता रही हूँ कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूर आने वाली है और ये आपके पर्सन की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनका जिससे रिश्ते की बात चल रही हो, ठीक है, ये कोई एक ऐसा पर्सन जो इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और वो सिर्फ मौके की तलाश में है कि कैसे आपके और आपके पर्सन के बीच में ये दूरियाँ कभी भी ख़त्म ना हो। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? लिखो अग्री। ठीक है, आपको भी ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन बोलते नहीं है वहाँ पे जहाँ सही टाइम आता है बोलने का, ना बोलने की वजह से, ना एक्सप्रेस करने की वजह से आपको ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में स्टैंड नहीं लेते आपको लेके, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी का घर पे ऐसा दबदबा है जिसकी वजह से ये पर्सन उस चीज़ को कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ये पर्सन उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उस चीज़ को ऐसा समझते हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं देख रही हूँ धीरे 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 आपको भी डाउट होने लगा है कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे। तो दोनों के मन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब आप दोनों आमने सामने हो जाओगे ना, तब आप देखना आपके मन में ये चीज़ आएगी कि यार इतनी सी बात थी, और अगर हम बिना सोचे समझे एक दूसरे को बोल डालते तो शायद ये गिले शिकवे इतने दिन तक नहीं रहते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके सेपरेशन महीनों का नहीं है, बहुत कम लोगों का है, लेकिन बहुत सालों का है, 3, 5, 7, 9, 11, 4 ऐसा ही लगता है, 13, या हो सकता है आप में से बहुत लोग मैरिड भी हों, मैरिज में भी सेपरेशन है। किस किस का मैरिज में सेपरेशन है कमेंट सेक्शन में लिखो मैरिज, ठीक है, कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या हो सकता है आपने कोर्ट कचहरी के भी बहुत चक्कर काटे हैं इसी चक्कर में, तो आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो,
आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, है ना? तो यहाँ पे जस्टिस आपको कैसे मिलेगा, जब आपकी आमने सामने बात होगी, और उसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, आपके पर्सन अच्छी तरीके से वाकिफ है, आप इनसे मोबाइल फ़ोन या चैट में बात करने से कंफर्टेबल नहीं हो, जो भी बात होगी सामने बात होगी। अगर इनका नहीं भी है ना सामने आकर बात करने का, तो भी देखना ये यही रास्ता चुनेंगे, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि आपके नज़रिए से जब सोच के देखें ना, बहुत सारी चीज़ें एज अ गर्ल या फिर एज अ बॉय आपको चाहिए, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर को आपसे क्या चाहिए होता है? कुछ नहीं, कोई डिमांड्स नहीं, एक भरोसा, एक लॉयलिटी चाहिए होती है। तो वो चीज़ ये पर्सन आपको देना चाहते हैं अब, ठीक है? अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके मन में भी ये चीज़ है, इस बात को ये कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, आपके मन में भी ये चीज़ चल रही है, पर आप जो है ना, बात ये कि आप बताते नहीं हो, ठीक है? आप जो है ना उस चीज़ को अपने पास रख देते हो, उस चीज़ को अपने अंदर ढक लेते हो, जिससे क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें, ये पर्सन आपकी बात को समझ नहीं पाते, इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर आप क्यों इनसे छुपा रहे हो, कुछ दाल में काला है क्या? क्योंकि मैं देख रही हूँ ये जो आपके पार्टनर है ये काफ़ी शक्की है। कमेंट सेक्शन में लिखो शक्की या फिर बोलो डाउट, ठीक है? बात बात पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट होने लगता है। ये नहीं कि ये बोलते हैं कि आप धोखेबाज हो, नहीं, इनको ऐसा लगता है कि अच्छा आप बता नहीं रहे हो, इसका मतलब आपको ज़रूर छुपा रहे हो जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है और इनको जानना चाहिए, ठीक है? तो कुछ शिकायतें तो इन जनाब के भी दिमाग में हैं, ठीक है? जनाब या मोहतरमा, आप बेहतर जानते होंगे, इनके भी दिमाग में हैं। तो मैं देख रही हूँ इस धोखे का बदला आपको बहुत जल्द मिलेगा, और आप देखना ये पर्सन सरेंडर करेंगे, ठीक है? ये पर्सन सरेंडर करेंगे अपनी तरफ से, खुद आप देख लेना। और इन्होंने अगर बात ना की ना, तो आप मुझसे आके बोलना, मैं बता रही हूँ आपके अगर दिमाग में बार बार ये चीज़ आ रही है ना कि काश मुझे जाना चाहिए, या फिर शायद मुझे जाके बात करनी चाहिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, मैं आपको साफ बता दूँ, सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है? आप बस वेट करो, ठीक है? वेट करो। और ये एनर्जी ऐसी है जैसे ये आठवां महीना चल रहा है, आप देखना इन्फिनिटी ऑलरेडी है, ठीक है? इन्फाइनाइट का साइन है 8, इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, ये पर्सन किसी भी बहाने आपके पास आ सकते हैं, एक चीज़ भरोसा कर लो, करेंगे ज़रूर, ऐसी बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा, आप लिख के रख लो, ठीक है? बस ये देखो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, ये कौन सा तरीका चुनते हैं आपके पास आने का, ये चीज़ आप बस ध्यान में रखो, और बात हो ना मुझे ज़रूर बताना किसी ना किसी बहाने से। हो सकता है डायरेक्टली नहीं, ऐसे नहीं बोले आई मिस यू, कुछ और जाके बोल दे, कुछ और आके बोलने की कोशिश करें, और बात चुप्पी तोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, स्ट्रेट यून्ड है ना, बताना ज़रूर। रीडिंग के नीचे फीडबैक देके ज़रूर जाना। आप सभी से दरख्वास्त है कि जितने भी न्यू मेंबर्स जुड़े हैं या फिर जितने भी पुराने मेरी सोल फैमिली का पार्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में एक न्यू लिंक मिलेगा, उसको देख के ज़रूर से जाइएगा, कोई भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है? एक लाइक तो बनता ही है, थोड़ा सा यू नो अप्रिसिएशन दिया करो, अच्छा लगता है, मेरे लिए फीडबैक होता है, ठीक है? कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करनी है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।